कलाम जो मैं बयान करने को हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, नंबर वन जो दुश्मन है, मैं उसी के बारे में बात करूंगी कि वो उसकी क्या ट्रिक्स हैं, कि वो क्या चाहता है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है, कि जब से वो आसमान से गिराया गया है उसकी तकलीफ क्या है, उसका मसला क्या है, कि वो मतलब बिल्कुल नाकाम है, वो एक फेलियर है जिसके बारे में हम बात करते हैं। हम लोग बहुत कहते हैं कि शैतान बहुत ताकतवर है, वो तब तक ताकतवर है जब तक हम यीशु में स्ट्रांग नहीं होते। जब हमारे साथ यीशु है, वो कोई ताकत, उसके पास कोई ताकत नहीं है। तो इससे सेटन इज द नंबर वन एंड ओनली एनमी ऑफ गॉड एंड ऑल ह्यूमैनिटी, कि वो खुदावंद का और नस्ल इंसानी का सबसे बड़ा और पहला एक ही दुश्मन है, उसके अलावा कोई और दुश्मन नहीं है। शैतान जो है वो खुदावंद का, खुदावंद यीशु मसीह का, और खुदावंद का और खुदा की औलाद का, जो कि इन नस्ल इंसानियत है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन वही है। इज आफ्टर द कवेनेंट बिटवीन मैन एंड गॉड, कि वो खुदावंद और इंसान के दरमियान में जो मुआहदा हुआ है, जो कवेनेंट है, वो उसके पीछे है। हर वक्त उसकी कोशिश यही रहती है कि वो उस कवेनेंट को जो है, जो खुदा ने इंसान के साथ बांधा है, उसको तोड़ने की कोशिश करे। वो उसके पीछे लगा रहता है हर वक्त। वो यही चाहता है कि जो हमारा कवेनेंट खुदावंद के साथ है वो मेंटेन ना रह सके। इसीलिए वो खुदावंद खुदावंद को मतलब जिस तरह का वो हमारे दरम्यान में आता है कि वो कवेनेंट को ही ब्रेक करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि खुदावन ने पहले जो कवेनेंट किया था, ओबीडियंस कवेनेंट किया था आदम और हवा के साथ, कि तुम ये फल ना खाना, तो उस कवेनेंट को तोड़वाया किस तरह उसने, कि उसने औरत के जरिए उसको तोड़वा दिया ताकि हम गुनहगार ठहरे। तो हर वक्त उसकी कोशिश यही रहती है कि वो उस कवनेंट को, जो खुदा ने हमारे साथ मुआहदे किए हैं, जो खुदावन ने हमारे साथ बांधा है, उसको तोड़े। जो खुदावन ने हमें बताया, हम उससे हटकर उसकी नाफरमानी करें और उसकी हुजूरी से हटे रहें, यही उसकी कोशिश रहती है। अदरवाइज वो हमें पकड़ के हमसे गुनाह नहीं करवाता, वो हमारे जेन में घुसता है, हमारे ख्यालों में घुसता है, इसी तरह वो हमसे गुनाह करवाता है। ऑलवेज आफ्टर आवर फेथ, वो हमारे ईमान का, जो हमारा खुदावन पे ईमान है, कि जिस ईमान में हम कमजोर पड़ जाते हैं, उसके पीछे कि वो हमारे ईमान को कमजोर करता है, वो हमें डराता है। सबसे बड़ा उसका वेपन है हमारे अंदर डर और खौफ डालता है। जब वो हमारे अंदर डर डालता है, तो फिर हमारा ईमान जो है कमजोर होता है। तो वो हमेशा इसी में रहता है। वो हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, जो असली पहचान है खुदावन में, उसको वो हमारी आंखों पे पट्टी डालता है कि हमें वो पहचान ना हो जाए जो कि खुदावन ने हमें दी है, कि ही इज ऑलवेज आफ्टर आवर फेथ विद इन द गॉड एंड ही इज ऑलवेज आफ्टर फर्स्ट नंबर वन, ही इज आफ्टर द कवेनेंट बिटवीन गॉड एंड मैन, देन आफ्टर आवर फेथ, देन आफ्टर आवर आइडेंटिटी, कि वो चाहता है कि हमें हमारी पहचान, जो असली पहचान है, वो ना हो जाए। इसलिए वो हमें दुनियावी चीजों में खोए रखता है, हमें वर्गलाता है। एक जो विच होती है, जो भी होती है, वो बच्चों को मतलब बच्चों से काम लेने के लिए, उनकी जो 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 रियल है, जो रियल रास्ता है, उससे उसको हटाने के लिए वो इधर उधर घुमाती रहती है। इसी तरह शैतान भी हमें घुमाता है और घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें ईमान में मजबूत रहना है, और हमें कोशिश ये करनी है कि जब हम रूह में चलते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह से अब हम रूह में चलने वाले बच्चे हैं, तो हमें रूह से पूछना चाहिए कि खुदावंद ने हमारे साथ क्या किया। अगर मैं ये करूंगा अपनी सोचों और ख्यालों में, तो खुदावंद की क्या मर्जी है। तो रूह जो है वो हमारे ऊपर खुदावंद के जो सारे वादे हैं, जो खुदावंद के कवनेंट है, वो सारे विजिबल करता है, वो हमें याद दिलाता है, ताकि फिर हम गुनाह में फाल ना हो। इसी तरह फिर वो हमें मतलब नाउ वी डोंट हैव टू बी फ्राइटेड, वो कहता है कि वो हमारी आइडेंटिटी के पीछे है खुदावन में, जो खुदावन में हमारी पहचान है उसके हमेशा वो पीछे रहेगा, और वो हमेशा वो हमें गिराने की कोशिश करेगा। और मैं कहती हूँ कि वो हमारी सोचों, हमारे ख्यालों, हमारे जेन में घुसता है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स डालता है, फिर हमें कमजोर करता है। हमारा जिस्म कमजोर होता है, फिर हमारी रूह कमजोर होती है। जब अगर हमारी रूह कमजोर है, जिस्म बेशक कमजोर हो, जब हमारी रूह स्ट्रांग होती है, तो हमारा जिस्म भी स्ट्रांग हो जाता है मसीह में, और वो ये होता है मसीह के वसीला से, पाक रूह में ही इज। और अब हमें ये सोचना चाहिए कि मसीह में जो है, लेकिन ये डर उन लोगों को होना चाहिए जिनके पास नहीं है, लेकिन जो मसीह में है उनको इस चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावन ने उसको हमेशा के लिए हरा दिया है, कि वो मसीह में, जो खुदावन ने जो अपना वादा पूरा करना था शैतान को, उसने हमेशा के लिए
किक ऑफ कर दिया, उसने उसको हेवन से गिरा दिया, वो जमीन पर है, लेकिन वो जमीन से भी अपना इमेज कायम करने के लिए, जमीन पे अपनी बादशाही कायम करने के लिए शैतान को भी यहाँ से निकालना चाहता है। वो कहाँ से निकालना चाहता है? इधर उधर से नहीं, वो हमारे अंदर से निकालना चाहता है कि हमारे अंदर जो डर है वो ना हो, क्योंकि शैतान हर वक्त हमारे पीछे रहता है, वो हर वक्त कोशिश करता है। हालांकि वो ना शेर बबर है, लेकिन शेर बबर की तरह हर वक्त उसकी कोशिश यही है, वो एक ऐसा हरा हुआ अपोनेंट है कि एक जो मतलब खाड़े में जो पहलवान है, जो हारा वो पहलवान है वो है, और अब वो जो मतलब वो एक मतलब एक अंधी मतलब उसकी आंखें लाल है, एक अंधा धुंध, वो कोशिश करता है कि बार बार मैं किसी तरीके से अपनी धुम से लोगों को गिराऊं और अपनी धुम से मतलब इनको अपने साथ लपेट लूं, ताकि मतलब वो गुस्से में है, वो रेज में है, गुस्से में है, तो इसलिए वो उन्हीं लोगों के पीछे जाएगा जो कि खुदावंद यीशु मसीह में है। तो वो बाकी तो जो उनके पीछे वो बिल्कुल नहीं जाता, जो उसके साथ आरड़ी है, जो मसीह जिनमें मसीह की पहचान नहीं है, उनके पीछे नहीं जाता, लेकिन वो उन्हीं के पीछे जाता है जो कि मसीह में जिनकी पहचान है। तो what would I say here? Now we don't have to. The hope is for in the Christ for us, but we don't have to be frightened of him first. He is a fallen angel. कि वो गिराया हुआ फरिश्ता है, और जो गिराया जा चुका है खुदावन की तरफ से। मैंने कितनी दफा कहा है कि जिसको खुदावन ने हमेशा, क्योंकि वो खुदावन का नंबर वन दुश्मन है, इंसान का नंबर वन दुश्मन है, तो खुदावंद किस तरह अपने दुश्मन के लिए दूसरा चांस रखेगा कि उसको दोबारा उसी जा पे दोबारा रिस्टोर कर दे, उसको बहाल कर दे। खुदावंद ने उसको हमेशा के लिए जमीन पर गिरा दिया, वो हमेशा के लिए जन्नत से निकाला जा चुका है। इसीलिए अब वो जो उसकी कोशिश होती है, इसीलिए वो जो है ना वो शिकस्त खाया हुआ अपोनेंट है कि वो बार बार उनके पीछे जाएगा, कि banish from heaven for eternity, कि उसको हमेशा के लिए उसने बैन कर दिए। There is no second chance, कि there is no second chance for him. Cursed for eternity mean no, no, there is no pole, on the pole. He's on the pole forever. कि जब मैं देखती हूँ कि जब बनी इसराइल, हम इसका बार बार जिक्र करते हैं, जब मैं कहती हूँ कि शैतान को हमेशा के लिए पोल पे लटकाया, तो हम जो बार बार मैं इस चीज का जिक्र करती हूँ कि जब बनी इसराइल विल्डरनेस में थे, तो वो सांप जो थे, सांपों किससे मरते थे, तो खुदा ने मूसा से कहा कि एक ब्रांस स्नेक लेके तो उसको पोल पे लटका दे, यही इनके लिए सल्वेशन का निशान होगा। तो उसका गहराई में मतलब ये है कि खुदावंद उनको ये दिखाना चाहता था रूमे कि देखो तुम इससे डरते हो, डरो मत, इसको तो मैंने हमेशा के लिए कर्ज करके पोल पे लटका दिया, इसको ऐसा लटका दिया मार के कि ये अब कभी जिंदा होकर तुम्हें तबाह नहीं करेगा, और तुम सिर्फ तुम इससे डरते हो, और सिर्फ अपनी इमोशनल हालत में कमजोर तो तुम डरते हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा मनसूबा तैयार किया कि मैंने इसको हमेशा के लिए शिकस्त दे दिया, इस हमेशा के लिए इसको पोल पे लटका दिया है, जिसको मैं कभी भी उतार के नए सिरे से फरिश्ते के रूप में नहीं लेकर आऊंगा। गॉन डाउन फॉर एवर इन द क्राइस्ट, के यीशु में हमेशा के लिए वो नीचे चला गया, कि खुदावन में वो हमेशा के लिए, खुदावन ने उसको मात दे दी, वो हमेशा के लिए चला गया। ही इज द ओनली वन हु लॉस्ट अ प्लेस इन हेवन, कि जो और उसके जो फालन एंजल थे, कि अगर जन्नत में किसी की जगह नहीं रही तो वो शैतान की नहीं रही, लूसीफर की नहीं रही, और उसके जो पैराकोर है उनकी नहीं रही, वो हमेशा के लिए वहां से निकाला गया, उसको हमेशा ही बाहर रहना है। कि मैंने कहा कि भी पूरी दुनिया में अगर कोई कर्स है तो वो शैतान है, कोई और कर्स नहीं है, क्योंकि खुदावन की सारी क्रिएशन है जिससे वो प्यार करता है, और बने इंसान जो कि खुदावंद, जो कि खुदावंद का अपना इमेज है, खुदावंद की ब्रेथ है उनके अंदर है, किस तरह खुदावंद उनसे दूर रह सकता है? नहीं दूर रह सकता, क्योंकि इसीलिए वजह से तो खुदावंद ने उसको हमेशा के लिए हमारे दरमियान से एलिमिनेट कर दिया है। किस तरह? अपने बेटे के वसीला से, कि उसके नाम से जब हम उसके नाम को पुकारते हैं तो वो हमारे उससे उसके नाम से दौड़ जाता है। बाज़ुकात हमारे अंदर ऐसा होता है कि शैतान ऐसा कब्जा करता है हमारे जिस्म की, कोशिश करती होता है कि हमने शायद आज ही मर जाना है, हमारे जिस्म में कोई ताकत तो तवानाई नहीं होती, या हम गिर जाते हैं, ये हम पे मुश्किल आती है, तो हम समझते हैं क्योंकि ये हमारी ज़हनी कमजोरी है कि जब
ये हम समझते हैं। हाँ वो हमारे ऊपर दबाव डालता है, लेकिन जैसे ही हम अपने आप को यीशु के सामने सरेंडर कर देते हैं, उसको पुकारना शुरू कर देते हैं, एकदम वो दौड़ जाता है, एकदम हमारा जिस्म जो है ना वो जान पकड़ लेता है, हमारी रूह पकड़ लेती है। इसीलिए खुदावंद कहता है कि भी मैंने तो उसको हमेशा के लिए पोल पे लटका दिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे में तुम आओ, जब तुम मेरे बेटे का नाम पुकारोगे तो मैं तुम्हें एकदम छुड़ाऊंगा। क्योंकि वह कहता है कि जब तुम सच्चाई को जान लोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। तो सच्चाई क्या है? यीशु सच्चाई है। उसने कहा कि राह हक जिंदगी सच्चाई मैं हूं, तो यीशु सच्चाई है। जब हम यीशु को जान लेते हैं, ये यीशु को जान लेते हैं, तो वही हमें फ्री कर देता है। तो यीशु को जानने का मतलब ये है कि ऑल इन ऑल के यीशु ही है जो हमें, जिसके नाम से शैतान भागता है और हमारे जिस्म को में से भी निकल जाता है और दौड़ जाता है, वो नहीं आता। तो उस कहता है कि उसने वो, लेकिन वो हारा हुआ है इसलिए कि उसने, उसकी जो नॉन स्टॉपेबल अटेम्प्ट्स है कि वो बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार, उसने स्टॉप नहीं करना। जैसे वो कछुए और बिच्छू की कहानी है कि वो कछुआ उसको मतलब नाइस है तो बिच्छू उसको बार बार डंक, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आता। इसी तरह शैतान भी अपनी फितरत से बाज नहीं आता कि ही हैज अ हैबिट, ही इज अ हैबिचुअल दैट ही विल कम एंड नॉन स्टॉपेबल, हिज नॉन स्टॉपेबल अटेम्प्ट्स कमिंग बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बिकम यूजलेस इन द क्राइस्ट नाउ, कि ही विल कम डू द नॉन stoppable attempts onto us to make us fall down in the faith, in the mind, in the soul, so we can die in the body. He will always come after us. So then he will come, but his non-stoppable attempts are nullified now. It's abolished. It's like it's gone. It's failed. He's a failure. He will be failed and useless. All his attempts are useless in the Christ, because when we are standing firm in the Christ and then we know our identity, then you know he's failure. We can make him fail. We can kick him out from our home. We can kick him out from our body, from our mind. To shaitan ko hum किस तरह निकाल सकते हैं कि मसीह में हमें स्टैंड, तो हमें अपनी आइडेंटिटी के पता होना चाहिए पहले, कि हमें अपनी पहचान पहले कर लेनी चाहिए। हमें रूह से पूछना चाहिए कि हमारी पहचान तो कराओ हमारे बाप के साथ, कि हमारी क्या पहचान है। जब हमें अपनी पहचान बाप में मिल जाती है, बेटे में मिल जाती है, देन वी बिकम स्ट्रॉन्गर, देन वी कैन डिफीट हिम, वी कैन किक हिम आउट, वी कैन ओवरकम हिम इन द स्पिरिट and in the physically too. So when we are in the spirit of God, in the Christ, then we can kick him out. Now we can stop his non-stoppable attempts by standing firm in our identity, which lies in the Christ. How we can stand firm in this Christ? कि हमें मसीह में खड़े रहना है, मजबूती से उसको थामे रखना है। कि we should stand firm in the Christ and our identity is lies in the Christ, कि हमारी पहचान मसीह यीशु में है, क्योंकि हमें बाप कभी भी नहीं देखेगा। खुदा जो आसमान का, जमीन का खालिक, इब्राहिम का, यूकुब अजाई का खुदावंद है, वो हमें कभी भी किसी दूसरे नाम से नहीं देखेगा। वो हमें हमेशा, हम मसीह के नाम से हेवन खोल सकते हैं, मसीह के नाम से हेवन बंद होता है, मसीह के नाम पे मसीही रास्ता है, उसी के नाम से फरिश्ते जमीन पर आते हैं, उसी के नाम से फरिश्ते ऊपर जाते हैं, उसी के नाम से आसमान के पोर्टल खुलते हैं। तो हम उसके जरिए आए, क्योंकि हमारी बाप के पास जाने की चाबी जो है, घर जाने की चाबी जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। हमारी रूह को बचाने की और हमारे जिस्म को, हमारी जिंदगी को बचाने का जो दारोमदार है, वो मसीह यीशु पर ही है। जिस तरह की पॉल एफिशियन में कहता है कि हाउ द पॉल इज सेइंग एफिशियन दैट वी शुड स्टैंड फर्म इन क्राइस्ट, आवर आइडेंटिटी लाइज इन द क्राइस्ट, हाउ वी कैन स्टैंड फर्म इन द क्राइस्ट। पॉल हैज सेड इन एफिशियन 6:13-14, टेक अप द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, व्हाट ट्रूथ एंड वेयर वी फाइंड इट, कि वो कहता है कि सच्चाई का बख्तर बांध लो, कि सच्चाई क्या है, कि सच्चाई का बख्तर बांध लो, मसीह यीशु सच्चाई है, कि यीशु को बांध लो। कहता है कि what truth, question is that, I'm asking you a question, where would we find the truth and what is the truth? Jesus Christ is the truth. किस उसने कहा कि सच्चाई का बख्तर बांध लो, सच्चाई क्या है, सच्चाई को हम कहाँ ढूंढेंगे, इसको मैं उर्दू में कह रही कि कहाँ ढूंढेंगे, यीशु मसीह ही सच्चाई है। If we find a Christ, we find a truth.
If we have the Jesus Christ, we have the belt of truth. कि जब यीशु को हम बांधते हैं, then we have the belt of truth. कि जब हम यीशु को बांधते हैं, ये यीशु को ढूंढते हैं, ये यीशु को पा लेते हैं, then we फिर हमारे पास क्या होता है कि फिर हमारे पास सच्चाई का बेल्ट आ जाता है. कि वो कहता है take up how we can stand, कि तुम खुदावंद में किस तरह फर्म स्टैंड करोगे शैतान का मुकाबला करने के लिए, कि सच्चाई का बेल्ट बांधो. तो सच्चाई का बेल्ट क्या है कि यीशु मसीह को बांधो. सच्चाई यीशु मसीह है, उसको बांधो, उसको ले लो, फिर जो है तुम शैतान का मुकाबला कर सकोगे, फिर दुनिया में जिंदा रह सकोगे. एंड वेयर वी फाइंड इट, जीसस इज द ट्रुथ, एंड हूएवर वांट्स टू फाइंड द ट्रुथ फाइंड अ जीसस फर्स्ट. कि जो सच्चाई को ढूंढना चाहता है पहले यीशु को ढूंढे, क्योंकि यीशु ही सच्चाई है. उसने कहा कि सच्चाई मैं हूँ, जिंदगी मैं हूँ, रास्ता मैं हूँ. तो जो अगर वही रास्ता है, वही सच्चाई है, वही जिंदगी है, तो हमें उसी को लेना है ताकि हम सच्चाई की तरफ चले, सच्चाई में कायम रहे. जब सच्चाई में कायम रहेंगे तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. जीसस सेड इन जॉन, जैसे यीशु ने खुद कहा, जॉन 14:6, आई एम द वे एंड द ट्रुथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी. कि कोई और रास्ता नहीं है, सच्चाई भी मैं हूँ, रास्ता भी मैं हूँ, जिंदगी भी मैं हूँ, क्यामत भी मैं हूँ, मैं हूँ, पानी भी मैं हूँ, रोटी भी मैं हूँ, तुम्हारी हर चीज का सोर्स भी मैं हूँ. यीशु कहता है कि मैं ही हूँ. उसने नहीं कहा कि जिंदगी का पानी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ. दुनिया का नूर भी यीशु है. अगर वही है सब कुछ, तो हमें उसी को लेना है. जब हम उसी को लेंगे तो उसी में खड़े रहेंगे स्टैंड, तो फिर हमें हमारी पहचान हो जाएगी. फिर वो हमें हमारी पहचान कराता है कि हम क्या है, कि हम उसी के अंदर से निकले हैं. हम शैतान के अंदर, लूसीफर के अंदर से तो नहीं निकले. अगर लूसीफर के अंदर से निकले होते तो वो, हम कहते हैं ना कि हमारी सच्चाई, हमारी हमारी पहचान जो है वो लूसीफर में है. नहीं, हमारी पहचान लूसीफर में नहीं है, हमारी पहचान यीशु में है. तो जब हम यीशु को लेते हैं तो फिर हमें हमारी पहचान, हकीकत में यही है कि हम यीशु से निकले हैं, यीशु की तरह है, यीशु में कायम रहते हैं, यीशु में ही जिएंगे, यीशु में ही मरेंगे, और यीशु में ही हमें जिंदगी मिलेगी. तो हमें उसी में स्टैंड फर्म करना है, फिर जाके हमें हमारी पहचान मिलती है. जीसस सेट अस फ्री. वो कहता है कि जब तुम ट्रुथ को जानोगे तो ट्रुथ तुम्हें फ्री कर देगी. कि व्हेन यू नो द ट्रुथ, द ट्रुथ विल सेट यू फ्री. That means when you know the Jesus Christ, Jesus will set you free. कि यीशु मसीह को जब तुम जानोगे तो वो तुम्हें आजाद कर देगा. सच्चाई को तुम जानोगे तो तुम्हें आजाद कर देगा. सच्चाई और यीशु दोनों एक ही हैं. जब हम सच्चाई को जानते हैं तो वो हमें आजाद कर देता है. Then he will set us free from all evil doors, as it is said in John. कि वो हमें हर तरह के शैतान के अटैक से बचाएगा, जिस तरह के उसने जान से कहा. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Now we know what is the belt of truth. कि हम अब जानते हैं कि सच्चाई का बख्तर क्या, सच्चाई का बेल्ट क्या है, कि हम उसको पहने, यीशु को पहन के रखें हर वक्त, सच्चाई को पहन के रखें. Wear him, wear Jesus, gird ourselves up with Jesus Christ. कि हमें उसको उसमें, उसी में नहा, उसी में उठना है, उसी में सीना है, उसी में खाना है, उसी में पीना है, उसी में नहाना, उसी को लेके नहाओ, उसी को पहन के चलो, उसी में हमारी पहचान है. Let us make Jesus the center of our life. कि आज हम यीशु मसीह को अपना center of life करें, कि उसको ही center करें. कि he who is the center of the all universe, कि जो पूरी दुनिया का center है वो मसीह यीशु है. तो हमें यीशु ही को center बना के चलना है. हमें अपनी पहचान ये है हमारी, कि हम लूसीफर से नहीं बनाएंगे, लूसीफर से नहीं निकलेंगे, लूसीफर के इमेज पे नहीं बनाएंगे, हम यीशु के इमेज पे बनाएंगे. हम यीशु मसीह से निकले हैं, वही जो लाइफ का सोर्स है. वही लूसीफर लाइफ का सोर्स नहीं है, शैतान लाइफ का सोर्स नहीं है, सिर्फ यीशु है. तो यीशु की सांस है हमारे फेफड़ों में, हमारे फेफड़ों में लूसीफर की सांस ही नहीं है. वी डोंट हैव अ ब्रेथ ऑफ द लूसीफर, वी हैव द ब्रेथ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन आवर लंग्स. He is the center of the universe, and he will be. He is the tree of the life. He gives us a life. कि यीशु हमें जिंदगी का दरख्त वो है, यीशु मसीह वो हमें जिंदगी देता है. उससे ये सारी कायनात जो है ना जान में है, उसके वसीले से हम भी हैं.
और उसी में कायम रहने से हमें जिंदगी में होती है, उसी के वसीले से हम शैतान जो है फिर हमसे दूर भागता है। कि जब हम यीशु को पहनते हैं तो फिर वो शैतान हमसे दूर भागता है। पहनने का मतलब कि जब हम यीशु को सबमिट कर देते हैं, उसको पकारते हैं, तो फिर हमसे दूर भाग जाता है। आजमा कर देखें, कभी भी टाइम हो तो हम सब आजमा कर देखें। मैं तो रोज आजमाती हूँ, आप भी आजमा कर देखें। जैसे भी आप रूह में कमजोर होते हैं, आपके जो रूहानी बादशाह हमारा वो मसीह यीशु आ जाए, जब वो आ जाता है, देन ही लिफ्ट अप ऑल द नेगेटिव थिंग्स, ही लिफ्ट अप ऑल द प्रेशर ऑफ द एनिमीज ऑन टू अस, ऑन आवर बॉडी, ऑन आवर ब्रेन। हमारा दिल बोझ से भर जाता है, हमारा जिस्म काम करना छोड़ देता है, हमारा ज़हन काम करना छोड़ देता है। क्योंकि ये उस वक्त होता है कि जब हम पे आजमाइश हो रही होती है, या हम पे कोई और रूह जो है वो हम पे हावी हो रही होती है। तो उस रूह, वो रूह है हमेशा, मतलब हमें खुदावंत का रूह स्ट्रॉन्ग किए रखता है होली स्पिरिट। लेकिन उस रूह को दूसरी रूहें उसके इर्द गिर्द जो होती हैं वो रेजिस्ट करती हैं, वो फिर हम पे प्रेशर डालती हैं, तो हमें रूहानी तौर पर डैमेज करना चाहती हैं, ताकि हम जिस्म के तौर से मर जाए। जब हम रूह में मर जाएंगे तो फिर हम जहन्नम में हैं, लेकिन हमें रूह में नहीं मरना, हमें रूह में जिंदा रहना है। तो रूह में जिंदा रहने के लिए हमें मसीह यीशु की भी जरूरत है, क्योंकि वही रूह है, उसी को हम लेते हैं। इसलिए खुदावंद कहता है कि स्टैंड फर्म करो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी। तो यही है आज का कलाम, कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है, कि हमें हर वक्त अपने ईमान में, अपने अपने रूह में हमें मजबूत रहना है, और मसीह में हमने कायम रहना है, उसके अंदर फर्म रहेंगे तो फिर हमें, मतलब हमें हमारी पहचान मिलेगी। हमारी पहचान क्या है? सबसे पहले तो हमें हमारी पहचान होनी चाहिए, कि हमें ये सोचना चाहिए कि शैतान ने हमसे हमारी हमें हमारी पहचान को दूर रखने के लिए हमें वो किस तरह हमें खुदा से दूर रखता है, और किस तरह वो हमें हमारी पहचान नहीं होने देता। तो हमारी पहचान यही है कि हम यीशु से निकले हैं और यीशु में ही कायम रहेंगे, और उसी में ही हमें जिंदगी मिलती है, क्योंकि उसी से हम निकले हैं। किसी और, कोई और सोर्स नहीं है जिससे हम निकले हैं। हमारी यही पहचान है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और वो भी मसीह में है। और हमारी पहचान, हमारी औकात, हमारी आइडेंटिटी सारी मसीह में है। तो हमें मसीह में ही कायम रहना है, मेरे बहनों और भाइयों। खुदावंद आपको इस कलाम से बरकत दे। आइए हम खुदावंद के कलाम के लिए शुक्रगुजारी के लिए दुआ करते हैं। कुदूस मेहरबान बाप, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत लम्हा के लिए, तेरे पाखरू की मेमोरी के लिए, कि तू हमें अपने पाखरू के वसीले से अपने कलाम की गहराइयों तक लेकर जाता है बाप आसमानी, और हमें हमारी पहचान करवाता है, और हमें बताता है तेरा पाखरू कि हम कौन है। हमें हर वक्त वो हमारी पहचान कराने के पीछे लगा रहता है, और हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन जो, और हमारा और आपका दुश्मन एक ही है, और जिसको तूने हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसको तूने हमेशा के लिए गिरा दिया। अब तेरे दिल में कोई सेकंड चांस नहीं है उसके लिए, तू उसको बहाल नहीं करेगा, बल्कि तू अपने बच्चों को, उनकी जिंदगी को बहाल करने के लिए तूने अपने बेटे के वसीले से गुनाह के मसले को हल कर दिया, उसी बेटे के वसीले से जिसके वसीले से तूने हर चीज कायम की है बाप आसमानी। तो आज हम सबसे हम दुआ करते हैं कि तू सबकी बाप आसमानी रूहानी आंखों को खोल, हमारी रूहानी आंखों को और खोल आए खुदा, ताकि हम अपनी पहचान में और बढ़ते जाए, और तुझ में और तरक्की करते जाए, और हमारी जिंदगी कि जो जमीन पर दिन आए खुदा वो खुशगवार गुजरे, अच्छे गुजरे, और शैतान के हर उस हमले से हमें तू बचाए रखना है, बचाए रखता है खुदा, बचाए रखे आए खुदा। और इसी तरह आए खुदा हम जमीन पर तेरा इमेज को कायम कर सके आए खुदा, बल्कि हकीकत में भी यही है कि हम तुझ में, तेरे बेटे में से निकले हैं और उसी में कायम रहते हैं, और यही हमारी पहचान है। हम कोई और फरिश्ता नहीं जिसके अंदर से तेरे, कोई और जरिया नहीं जिसके अंदर तेरे, कोई और वसीला नहीं है जिसके जरिए हमारी फेफड़ों में सांसें हैं, तेरी सांसें हैं, तेरे तेरी बेटे की सांसें हैं, तेरी सांसें हैं, वो जो जिंदगी का दरख्त है, वो जहाँ से जिंदगी जनरेट होती है, उसी में से हम निकले हैं, और हम उसी में कायम रहेंगे और उसी में रहेंगे। और खुदा इसी तरह तू हम सबको अपने पाक से भर रख, अपनी रूहानी हमारे रूह में मजबूत रखा है खुदा, ताकि हम जिस समय कमजोर ना होने पाए आए खुदा। और इसी तरह तू हमें हर तरह के नेगेटिव माइंड सेट से फ्री कराए खुदा, हमें अपने पॉजिटिव माइंड सेट से भरे रखा है खुदा,
और इसी तरह हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने और तेरे कलाम की बातों को समझ कर आए खुदाम, हम तुझ में खुश रहें और मसरूर रहें, यही तेरी पाक मर्जी है। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, इसके लिए बरकत चाहती हूँ। जितने जितने भी सुना उन्होंने बरकत हासिल किया है खुदाम, और भी इस कलाम को सुने तो वो भी इससे बरकत हासिल करें। मांग लेते तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम के वसीले से, आमीन। सिस्टर जी आप रिकॉर्डिंग को बंद करें, फिर हम दुआ की तरफ बढ़ेंगे।